रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों 2,000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। गुरुवार सुबह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सच्चाई बताई। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्र बैंक 500 रुपए का नोट वापस लेने और 1,000 रुपए के नोट को फिर से जारी करने का कोई भी प्लान नहीं बना रहा। उन्होंने लोगों से इस तरह की अटकलों से बचने की गुजारिश भी की है। प्रेस को संबोधित करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया, 1.8 लाख करोड़ रुपए के 2,000 रुपए के नोट आरबीआई के ऐलान के बाद वापस आए। 31 मार्च 2023 को जितने 2,000 रुपए के नोट प्रचलन में थे उसका आधा है। बता दें कि 2,000 रुपए के नोट को एक्सचेंज और जमा कराने के लिए लोगों के पास 30 सितंबर तक का समय है। गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि रेपो रेट में कोई बदलाव इस बार नहीं किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में विकास दर 8% रह सकती है, वहीं इसके बाद विकास दर सुस्ती देखने को मिल सकती है। बता दें कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान है।